जन्नत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अपने उज्जवल इतिहास का गौरव गान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कोटि देवों के मंदिर इसके किनारे, मंगल ध्वनियां होती हैं जहां पर सांझ सकारे। जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संवारे। ये जहां गई बन गए वहीं पर तीर्थ प्यारे। इस अपनी प्यारी जन्मभूमि की जान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गिरिराज हिमालय की बेटी ये महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गुरुजी, गंगा मैया का गुणगान सुनकर बड़ा आनंद हुआ। गुरुजी, क्या सचमुच माता गंगा हिमालय की बेटी है? हाँ बेटा। फिर ये जल की धारा के रूप में कैसे? भगवती गंगा के इस रूप की बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। तो फिर हमें सुनाया गुरुजी? हाँ, गुरुजी। अच्छी बात है। आज से हजारों साल पहले एक दिन महामुनि नारद आकाश मार्ग से चले आ रहे थे। नारायण नारायण, सागर गर्जन जैसा इतिहास, विशाल काय, भयानक आकृति, विकराल आंखें। ठहरो, भाग के कहां हो? यहां छोड़ो मुझे,
पकड़ लिया नारायण भक्त को? बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव मानव, नाग गंधर्व, सबको डिगाने वाला, काम क्रोध मद मोह लोभ को जन्म देने वाला, तीनों लोकों में अपने नाम का डंका बजाने वाला, पहचाना मुझे नारद? नारायण नारायण, मैं हूं पाप। प्रथम ग्रह से मक्षी का, आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, किसके दर्शन हो गए? और किसके, मेरे? तुम्हारा कल्याण होगा। हो गया, सच मुझ हो गया। तो बस इसी वक्त अपना ये पुराना तंबूरा और खड़ताल उठाकर फेंक दो और मेरी जय जयकार करो। तीनों लोगों का सुख और ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। बस केवल इतना ही? और भी जो चाहोगे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन खोया हुआ धर्म कभी नहीं मिलेगा। धर्म? धर्म तो वो अनमोल रत्न है जिसके आगे तुम्हारे सुख ऐश्वर्य का कोई मोल नहीं। धर्म की दुहाई देने वाले नारद, धर्म का रास्ता कांटों से भरा है, उस पर चलने वाला दिन रात दुख की आग में जलता रहता है। धर्म एक जीता जागता नरक। नरक नहीं, स्वर्ग है स्वर्ग, सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशमान, सत्यम शिवम सुंदरम की तरह महान है। इसकी राह पर चलने वाले कांटों में फूल खिलाते हैं, पाप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म की ज्योत अजर और अमर है। भूलते हो नारद, मेरी ताकत के तूफान में धर्म की ज्योत एक पल भर भी नहीं टिक सकती, वह एक ही झोंके में बुझ जाएगी। केवल ये तो तुम कह रहे हो, धर्म की ज्योत वो अखंड ज्योत है जिसे तुम्हारा युगो युगो का इतिहास आज तक नहीं बुझा सका, वो तो सदा जलती रहेगी। लेकिन मैं बुझा के रहूंगा। तुमने मुझे चुनौती दी है नारद, तुम्हें इसका जवाब बहुत ही जल्द मिलेगा। एक दिन तुम्हारी हार और मेरी जीत होकर ही रहेगी। नारायण नारायण। प्रजाजनों, देवर्षि नारद की प्रेरणा से पाप का नाश और धर्म की रक्षा के लिए हम शीघ्र ही पुण्य फल देने वाला धर्म यज्ञ करेंगे। प्रजापति महाराज दक्ष की जय। महामंत्री महाराज, समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों तथा हमारे इष्ट मित्रों को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, हमारे इस महान यज्ञ के विशेष अतिथि होंगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता कैलाशपति। नहीं नहीं, उसे इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। देव सभा में हमारा अनादर करने वाले शिव का हम भी आदर नहीं करेंगे, उसे हम कभी नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं। नारायण नारायण। दक्षराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कैलाशपति तो देवों में महान देव हैं, सती के पति हैं, आपके दामाद हैं। वो कोई भी हो, हमारा निश्चय बदल नहीं सकता। नारायण नारायण। होनहार बड़ी बलवान है, वो अपना रंग दिखा कर ही रहती है। नारायण नारायण। क्या बात है सती? सूर्य की पहली किरण की तरह इतनी आनंदित, इतनी प्रसन्न? प्रसन्नता की जो बात है स्वामी, पूज्य पिताजी कनखलपुर में धर्म यज्ञ कर रहे हैं। धर्म यज्ञ? हाँ नाथ, और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन देवी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। नारायण नारायण। लीजिए, देवर्षि स्वयं हमें निमंत्रण देने आ गए। क्यों, ठीक है ना नारद जी? नारायण नारायण, यही तो दुख और आश्चर्य की बात है, बिना कैलाश पति के यज्ञ कैसा? देवर्षि,
तो क्या पिताजी ने स्वामी को निमंत्रण नहीं दिया और ऐसे ही यज्ञ आरंभ कर दिया? देवी, सचमुच अनर्थ हो रहा है अनर्थ। मुझे इस अनर्थ को रोकना होगा। स्वामी के बिना इस यज्ञ का कोई मूल्य नहीं। मैं अभी पिताजी के पास जाती हूँ। देवी, बिना बुलाए कहीं भी जाना अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं जाऊंगी, वो मेरे पिता है। तुम हट कर रही हो सती। आपके विनाश के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। ओम सूर्य देवता नामाधिपति स्वाहा। ओम चंद्रमा नक्षत्रामृतपति स्वाहा। दक्षराज, यज्ञ पूर्ण होने के लिए अब अंतिम आहुति दीजिए। ठहरिए पिताजी, आप अंतिम आहुति नहीं दे सकते। सती, ये धर्म यज्ञ नहीं, पाप यज्ञ हो रहा है। बेटी, हरि सभा में तुम अपने पिता का अपमान कर रही हो। अपमान तो आपने मेरे पति का किया है। लोक कल्याण करने वाले दया के सागर भगवान भोलेनाथ को न बुलाकर आपने ऐसा अनर्थ किया है जो प्रलय से भी भयानक है। चुप हो जाओ सती। अपने पति का अपमान देख कर मैं चुप हो जाऊं? मैं पूछती हुई यज्ञ में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? बोलिए पिताजी, जवाब दीजिए। ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति विष्णु, देवराज इंद्र, ऋषि मुनि, आप सब चुप क्यों हैं? मैं इस अन्याय का आप सबसे उत्तर चाहती हूँ। मैं इसका उत्तर पाने का कोई अधिकार नहीं, और आज से भविष्य में किसी भी होने वाले यज्ञ पूजा आदि पुण्य कार्यों में उस भूतनाथ को भाग नहीं मिलेगा। वो तो पर्वतवासी देवता नहीं, एक साधारण साधु ढोंगी है, पाखंडी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी निंदा हो और मैं जीवित रहूं, धिक्कार है मुझे। हे सूर्यदेव, पृथ्वी, आकाश, मैं जभी जाऊं, तुम सब मेरे साक्षी रहना। जिस यज्ञ में मेरे स्वामी को न बुलाकर उनका अपमान किया गया, मैं उसी की लपटों में अपना जीवन त्याग करती हूँ। अंधेरी दुनिया में रोशनी लेकर आया हूं। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल दिया है। मौत के हाथ अब तुम्हें कभी नहीं पकड़ सकते। तुम अमर हो गए हो तारकासुर। लेकिन ब्रह्मा का दिया हुआ शाप, बाप तुम नहीं जानते हो, शंकर के पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित है। शंकर पुत्र? न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। शंकर पत्नी सती तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जलकर राख का ढेर हो गई है। तब तो सर को जलाकर राख का ढेर बना दिया जाएगा। वर्षों के दुश्मन देवताओं के खून की नदी बहा दी जाएगी, और धर्म की राह पर चलने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नारद की हार और मेरी जीत होगी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। Thank you.
हमारी एक नहीं चली, कृपा करके उसके नाश का उपाय बताइए। उसका नाश? उसका नाश तो शिव पुत्र द्वारा होगा, परंतु शिव तो समाधि में बैठे हैं देवर्षि, उनकी समाधि कौन भंग करेगा? उनकी समाधि मैं भंग करूंगा। कामदेव, इसका परिणाम जानते हो? जो भी हो, देवताओं के हित के लिए मैं बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा त्याग भी व्यर्थ होगा मुनिवर, आप तो जानते हैं माता सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो चुकी है, फिर शिवपुत्र? नारायण नारायण, शिवपुत्र होगा और अवश्य होगा। तुम चिंता छोड़कर मई सागर संगम पर नव दुर्गाओं को प्रसन्न करो। जो आज्ञा देवर्षि। आओ चलो मेरे साथ। ओ, 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 ओ,
शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार बेड़ा पार करो माँ आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार बेड़ा पार करो सबका दुख दूर करो हर विपदा चूर करो हे देवी शैल पुत्री माता हे देवी शैल पुत्री माता अंधकार नाश करो विश्व में प्रकाश करो ब्रह्मचारिणी सुख के दाता हे ब्रह्मचारिणी सुख के दाता जगदम्बा सुन लो
देखा, यही है चमत्कार आदिशक्ति माता भगवती की अखंड प्रकाश की। दो नवज्योति गंगा और उमा हिमालय के घर जो जन्म ले चुकी हैं। नारायण नारायण हिमालय राज। देवर्षि, उमा के हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि बड़ी भाग्यशाली, इसके पति देवादि देव कैलाशपति होंगे। देवादि देव कैलाशपति? हाँ, कहां तक वर्णन करूं उनका। गौर वर्ण कमल नयन अजान बाहु विशाल वक्ष करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज से बढ़कर है तेज उनका। इतने सुंदर है कैलाशपति? हाँ मैनावती, तन से भी सुंदर और मन से भी सुंदर। उन्हें देख लोगी तो फूली नहीं समाओगी, उनके चरणों को पाकर धन्य हो जाएगी उमा। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो चलो नारे। गंगा बेटी, देवर्षि आए, इन्हें प्रणाम तो करो। ओ, देवर्षि आओ, उमा के धाम में आपका ध्यान ही नहीं रहा। प्रणाम। कल्याण हो मुनिवर। वीणा के तार छेड़ते छेड़ते आप यहाँ किस धुन में? बेटी नारद जी उमा के होने वाले वर कैलाशपति के बारे में बता रहे थे। मुनिवर कृपा करके गंगा का भी हाथ देकर बता दीजिए। हाँ गंगा बता। हाँ बेटी दिखा देना अपना हाथ। देखो माँ, रेखाओं के जाल में पड़ना जंजाल में पड़ना है। चलो माँ, चलो ना, चलो। गंगा सुनो तो। मुनिवर पता नहीं गंगा के मन में क्या है, वो नहीं चाहती किसी के चरणों की दासी बने। बड़ी हठीली। नहीं नहीं हठीली नहीं, गंगा बड़ी निराली है और इसका निरालापन संसार कभी नहीं भुला सके। परंतु याद रहे उमा को भी बड़ी निराली भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो कैलाशपति को पा सकेगी। नारायण नारायण। नारद जी, नारद जी, नारद जी। अरे ये क्या, ढोल में फोल दुनिया गोल, मैं भी तो यही कहता हूँ। लगे हाथ मेरी नन्नी मुन्नी का हाथ भी देख लीजिएगा। अच्छा भाई कहाँ है तुम्हारी नन्नी मुन्नी? नंदनी, ओ नंदनी, ओ बेटी नंदनी, नंदनी कहाँ हो तुम? हाँ पिताजी। नारायण नारायण। महाराज यही है मेरी कोमल कली, नसरी की डली। क्या खाया, कैसे पली? बेटी हाथ तो दिखा। महाराज मेरा हाथ देख के जल्दी से बताइए कि मेरा विवाह कब होने वाला है। अच्छा अच्छा है? तुम्हारे हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं। महाराज इस हाथ में देखिए, इसमें जरूर होगी। नहीं 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 नहीं, इसमें भी नहीं। ये तो मैं भी कहता हूँ। दिखाओ दिखाओ। अरे विवाह की रेखा तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, फिर ये कन्या आए? महाराज मैं तो इन्हीं की पुत्री हूँ। आप इतना भी नहीं समझते, जब कोई कन्या धरती पर जन्म लेती है ना, तो उसका होने वाला पति उससे पहले जन्म ले लेता है। और आप तो अंतर्यामी है, आपको तो मालूम है ना मैं किसे प्यार करती हूँ, वो दो सिंह वाला नंदी। परंतु नंदी तो बाल ब्रह्मचारी है। महाराज मैं भी ब्रह्मचारिणी हूँ, उसमें क्या हुआ, उसके गले में प्रेम की घंटी बांधने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं भी तो यही कहता हूँ महाराज। महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए मुझे। कल्याण हो। नारायण नारायण। पिताजी पिताजी पिताजी। हाँ बेटी। सुना आपने, नारद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब मेरा नंदी से विवाह हो जाएगा, मैं बहू बनूंगी, फिर मुन्ना मेरी गोद में खेलेगा, फिर मैं मुन्ने को प्यार करूंगी। अरे मैं तेरा पिता हूँ। कामदेव कामदेव, भगवान शिव की समाधि भंग करने का समय आ गया।
पागल तो नहीं हो गई? ये क्या किया तुमने? एक साधारण जोगी के चरणों में फूल चढ़ा दी? फूल क्या, मैं अपना हृदय, अपना सर्वस्व इन चरणों पे निछावर कर चुकी हूँ। ये तुम्हारी अंधी भक्ति है। तुम्हें ये ना भूलना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी हो। अपने देवता के सामने तुम्हें पुजारी हो, दासी हो। उमा, इसी भावना ने तो नारी को पुरुष के सामने गिराया है। नहीं, इसी भावना ने उसे महान बनाया है। गंगा, अभिमान में भटकती हुई हर नारी को पुरुष के चरणों में झुकना ही पड़ता है। कभी नहीं, मैं दिखा दूंगी मेरा नारीत्व पुरुष के चरणों में नहीं, गर्व से ऊंचे रहने वाले उसके शेष प्रवास करेगा। गंगा, नारायण नारायण, इतनी भावना से पूजा हो रही है भोलेनाथ की। प्रणाम देवर्षि। दिन रात हर घड़ी कैलाशपति की सेवा करते करते आपको कितना समय बीत गया, लेकिन अपने आप को दयालु कहलवाने वाले भोलानाथ को अभी तक आप पर दया नहीं आई। कभी तो करुणा सागर को मुझ पर दया आएगी। मुनिवर, यदि मैं अभागन उन्हें न पा सके तो सच कहती हूँ अपने प्राण दे दूंगी। नारायण नारायण नारायण, ऐसी अशुभ घड़ी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। लेकिन मुनिवर, सच्चा प्रेम करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता जी, प्रभु को पाने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। बताइए ना, कौन सा उपाय? ओम नमः शिवाय का जाप करते करते सच्ची लगन से हर हर महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। बिल्व पत्र? देवर्षि, मैं समझी नहीं। नारायण नारायण। यह है वो पवित्र अनुपम बिल्व पत्र, इसका बड़ा महत्व है। इसमें आदि देव भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु समाये हुए हैं। आह, सब चिंता छोड़कर ये शुभ कार्य आरंभ कर दीजिए। बस फिर मंगल ही मंगल है। नारायण नारायण नारायण। नारायण की पुजारी उमा को ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ सिखाए? तुम चाहो तो तुम भी सीख सकते हो, उद्धार हो जाएगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने सोचा होगा उमा इस मंत्र से शंकर को पालेगी और भविष्य में उसका होने वाला बेटा तारकासुर को मारकर धर्म का झंडा लहराएगा। नारायण नारायण। सच्ची बात तो मुझसे निकल ही जाती है। नारद, याद रखो, पाप के होते हुए तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें अपना सर मेरे कदमों में झुकाना ही पड़ेगा। नारायण भक्त सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। लेकिन मैं झुकाकर ही रहूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बिल्व पत्रों से ओम नमः शिवाय का जाप करके क्या पूजा हो रही है, परंतु सब व्यर्थ, कोई लाभ नहीं। कौन मेरी पूजा में कौन विघ्न डाल रहा है? रमता राम जोगी देवी, भंग धतूरा पीने वाले और गले में नागों की माला पहनने वाले को क्या तुम भगवान समझती हो? हाँ, यही मेरे भगवान है, मेरे मन के देवता है। मन के देवता, बड़ी भारी भूल कर रही हो। क्यों इस जटाधारी के पीछे पड़ी हो? स्वर्ग में एक से एक सुंदर देवता हैं, शेषाई भगवान विष्णु, देवाधिपति इंद्र। चुप रहो योगी, मैं अपने प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। सच्ची बात सदा कड़वी लगती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कह रहा हूँ। कहाँ तुम हिमालय कन्या, सुंदर रूपमती राजकुमारी, और कहाँ वो बाघांबर पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, बैल पे सवारी करने वाला और भूत प्रेतों के साथ डमरू बजाकर नाचने वाला? प्रणाम उमा, मेरी बात तो तुम सदा अनसुनी कर देती थी, अब तो विश्वास करो। बेचारे जोगी महाराज को क्या लेना देना, ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मुझे किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं। शिक्षा नहीं मानोगी तो पछताओगी। जोगी महाराज सोच क्या रहे हैं, इसे समझाओ ना। समझा तो रहा हूँ, जीवन साथी सोच समझ कर बनाना चाहिए। कहाँ अमृत कहाँ विष। उमा देवी, मेरी और गंगा की बात मान के इस भोलेनाथ को सदा के लिए अपने हृदय से निकाल दीजिए, इस शिवलिंग को उठाकर फेंक दीजिए। योगी, बार बार कैलाश पति को दुर्वचन कहते तुम्हें लज्जा नहीं है? अब तक जोगी समझकर शांत रहे, तुमने अपशब्द कहकर मेरे आराध्य देव का अपमान किया है, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप। उमा, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मैं आपको क्या क्या कह गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उठो उमा, तुमने जो कुछ भी कहा प्रेमवश कहा, सच्ची आराधना करने वाली कोई भी पुजारिन यही शब्द कहती। तुम्हारी तपस्या भक्ति से हम प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए, मेरी साधना सफल हुई। नाथ, इस दासी को अपने चरण कमल में स्थान दे दीजिए, स्थान दे दीजिए प्रभु। मैं आपसे केवल यही मांगती हूँ, मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्यों गंगे, सत्य है ना? केवल आपकी दृष्टि में, मेरी नहीं। उमा की तरह चरणों में रहने वाली मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। हम जानते हैं, उमा उमा है, गंगा गंगा है। तभी तो तुमने हमें बैलों पर सवारी करने वाला, भूत प्रेतों के साथ डमरू बजाकर नाचने वाला जैसे शब्दों से अलंकृत किया है। क्षमा कीजिए प्रभु, गंगा बाल्यकाल से ही चंचल है। समय आने पर यह चंचल स्वभाव स्वयं गंभीर हो जाएगा। उमा प्रभु, हम जाते हैं, विश्वास रखो, बहुत शीघ्र ही धूमधाम के साथ हम तुम्हें लेने आएंगे। सवार डरावना भूत जैसा गंगा। नारायण
पक्ष में आऊंगा। नारद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी उमा के लिए ऐसा भयानक काला कलूटा वर? कहते थे कि देख लोगी तो फूली नहीं समाओगी। इनका काम ही क्या है माँ, इधर की उधर और उधर की इधर, कोई डूबे या तरे, स्वयं भी नारायण कहेंगे और दूसरों को भी नारायण हरि कर देंगे। नारायण नारायण, आप दोनों तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। करूं भलाई और नाम हो बुराई, भगवान शिव शंकर को भयानक बता रही हूँ। कैलाशपति कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अरे जरा देखो तो सही, देखो। ये सब क्या था जो मैंने अभी अभी? महारानी, आंखें ही तो हैं, कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। अब आप खड़ी खड़ी सोच कर रही हैं, जल्दी से दूल्हा की आरती उतारिए ना। कमल नयन गौर वर्ण, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, अरे तू क्या समझता है मैं तुझे पाताल से भी खींच निकालूंगी। नंदी, जान बची तो लाखों पाए। डांट के बुद्धू घर को आए। अब नहीं जाने दूंगी स्वामी, अब कहाँ जाओगे बच्चे? ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। भोलेनाथ, ये कैसी लीला है आपकी? ब्याह में आया था आपके और थक गया मैं भी। अरे मुझे तारो भोलेनाथ। तर गए स्वामी नाथ, जीते जी तर गए। मेरे जैसी भोली भाली नई नवेली नार इस लोक में तो क्या सातों लोक में भी नहीं मिलेगी। क्यों पिताजी? हाँ बेटी, चलो चलो चलो। आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं क्यों बैठा रहे हैं? मैं क्यों बैठना चाहता हूँ? क्षमा कर। चलो बेटी बैठो, चलो बेटी बैठो, तुम बैठो, मैं चला। अरे मत ये करो, अरे हर भर रहा है। पंडित जी को मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ने क्या जरूरत है? महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है देवर्षि, हर हर महादेव कहकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। कैलाशपति महादेव का नाम ही आनंद देने वाला है, उनकी लीला अपार है, कण कण में वही समाये हुए। क्या उनकी लीला अपार है, कण कण में वही समाये हुए? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। नारायण नारायण।
लीला अपार है, अनंत है, कण कण में आप ही समाये हुए हैं। आपकी महानता को मैं पहचान न सके प्रभु। तुम अपनी महानता को भी पहचान न सकी। एक दिन समय आएगा जब तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। स्वामी, मेरी बहन को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होगा ये जानकर मुझे कितना आनंद होगा। हमारी बेटी के अहोभाग्य, धन्य हो भोलेनाथ। धन्य हो प्रभु। हिमालय राज, भगवान ब्रह्मदेव पधारिए, कहिए किस कारण हमारा घर पवित्र किया। हिमालय राज, स्वर्ग में पाप बढ़ता जा रहा है, देवताओं का जीना कठिन हो गया। पाप का नाश करने के लिए मैं गंगा को लेने आया हूं। मेरी गंगा को? कहां वो भयानक राक्षस पाप, कहां मेरी भोली भाली कोमल कली जैसी गंगा। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अपनी गंगा को नहीं जाने दूंगी। हाँ ब्रह्मदेव, अपनी आंखों देखे हम अपनी बेटी को जलती आग में नहीं जाने देंगे। प्रभु आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरी लाडली बेटी को, मेरी आंखों की ज्योति को मुझसे दूर न कीजिए। अच्छी बात है, मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था, परंतु लगता है हिमालय राज के द्वार से मुझे निराश ही लौटना पड़ेगा। ठहरिए ब्रह्मदेव, आप निराश नहीं लौट सकते, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गंगा, ये क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कर रही हूँ माता जी, ये मेरा कर्तव्य और हमारे कुल का गौरव कह रहा है। हमारे द्वार से आज तक कोई भी निराश नहीं लौटा। यदि ब्रह्मदेव की इच्छा पूरी न हुई तो देवलोक में ही नहीं, पृथ्वी पाताल समस्त लोकों में हमारे कुल की मान प्रतिष्ठा सब कलंकित हो जाएगी माता जी। बेटी। हाँ पिताजी, देवताओं के हित के लिए मैं काम आ सकूं इसमें मेरा और सबका सौभाग्य है। चिंता छोड़कर मुझे जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सदा फलो फूलो और कुल का नाम उज्जवल करो बेटी। मुझे आशीर्वाद दो माँ। बेटी सदा सुखी रहो। भगवान कल्याण हो। गंगा? और स्वर्ग में? हाँ, अब स्वर्ग में मंगल ही मंगल और पाप का नाश होगा। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। भगवान ब्रह्मदेव की जय। गंगे, गंगे जानती हो ये किस शक्ति का प्रकाश है? नहीं ब्रह्मदेव। जिनके चरणों में तुम अनादि काल से रही, ये प्रकाश उन्हें विष्णु भगवान का है, और इस कलश में तुम्हारी ही जल स्वरूप शक्ति है, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया मेरी शक्ति? आश्चर्य न करो गंगे, ये रहस्य मैं बताता हूं। एक बार तीनों लोकों के स्वामी दानवपति बलि से भगवान विष्णु के अवतार वामन भगवान ने तीन पग पृथ्वी दान में मांगे। तब मायापति भगवान ने एक पग से पृथ्वी लोक को और दूसरे पग से पाताल लोक को नाप लिया। तीसरा पग जब स्वर्ग लोक में आया तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया हुआ जल अपने इस कलश में रख लिया। त्रिलोकीनाथ, आज वो घड़ी आ गई जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। Thank you.
गंगा की। गंगे आज से तुम पतित पावन पाप विनाशिनी कल्याणमयी गंगा हो गई। नारायण नारायण। और इसके साथ ही स्वर्ग भूमि भी पावनमयी हो गई। अब पाप का नाश होकर ही रहेगा। देवर्षि प्रणाम। भगवान आज मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। हर दिशा में कण कण से जन जन से केवल एक ही आवाज आएगी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा स्वर्ग में चली आई है। गंगा? कौन गंगा? देवताओं की सबसे बड़ी सहायक और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तारकासुर। गंगा के रहते हुए न तू रह सकेगा और न मैं। उसे किसी भी प्रकार से खत्म कर दो, अभी इसी वक्त। आप बेफिक्र हो जाइए, हम गंगा से अभी मिलते। क्या बात तारकासुर। चलने की तैयारी करो। से पता नहीं यहाँ किसका राज है। तारकासुर का। हमने खेल खेल में देवताओं को मार भगाया, हमारे होते गंगा स्वर्ग में आई, उसे हमारे शक्ति का पता नहीं। दानो तुम इधर जाओ, उधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए तो चींटियों की तरह कुचल कर रख दूंगा। कौन हो तुम? जिसे तुम पाव तले कुचल देना चाहते हो। कौन? गंगा? क्यों, मुझे देखते ही कांपने लगे, घबरा गए? कहां गया तुम्हारा अभिमान, कहां गई तुम्हारी शक्ति? मेरी शक्ति? मेरी शक्ति मेरे पास है। तुम समझती हो कि मैं डर गया? मैं किसी से नहीं डरता। अब ये शस्त्र तुम्हारे प्राण ले लेगा। ये अग्नि चक्र तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तो आप बच नहीं सकती। मूर्ख, मैं गंगा नहीं पाप हूं। पाप इतने डर गए?
कौन कहता है कि मैं गंगा से डर गया? लेकिन गंगा से जीतना इतना सरल नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम गंगा का नाश अवश्य करके रहेंगे। अरे नंदी, तन का उजला मन का काला, हमें ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाता है, स्वयं प्रेम का पाठ पढ़ रहा है, और वो भी जय विजय के साथ, हमारी प्रेमिकाओं के साथ, लज्जा नहीं आती? प्रेमिकाओं के साथ? नंदी भैया, अब बोलो कौन काला, कौन है? हम काले नंदी भैया, तुम उजले। नंदी भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। ऐप तो पहचान लिया, किंतु दूसरे सिंह वाले को तो पहचानो। दूसरा सिंह वाला कहाँ है? वो देखो, अभी देखता हूँ। मेरा पांव तो देखो, कौन हो तुम मेरा रूप बनाने वाले? अरे तो सिंह वाली, मेरा पीछा छोड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे देवी। मैं सदा यही रहूंगी। हाँ, माता उमा और शंकर महाराज के पुत्र की सेवा करूंगी, उसके साथ नाचूंगी, कूदूंगी, गाऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। समझे? बोलो कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। क्या शंकर पार्वती के बेटे ने जन्म लिया? अचानक ये कैसा बोचा? ये अपशकुन? नारायण नारायण, अपशकुन नहीं, महाअपशकुन कहो तारकासुर। नारद जी, क्या बात है, बताइए तो सही। क्या कहूँ, बताया भी नहीं जाता और बताए बिना रहा भी नहीं जाता। तुम्हें ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप याद है? अच्छी तरह याद है, शिवपुत्र द्वारा मेरी मृत्यु होगी, यही ना? हाँ, तुम्हारे काल शिव पुत्र कार्तिकेय ने कैलाश में जन्म ले लिया। क्या कहा? उस सपोले ने जन्म ले लिया? और उस सपोले को नाग बनने से पहले ही कुतल दिया जाएगा। तारकासुर, इसी वक्त जाके कार्तिकेय को ठिकाने लगा दो। नंदिनी, ओ नंदिनी। जी माता जी। आई नंदिनी जी, मैं स्वामी की पूजा के लिए जा रही हूँ, कार्तिकेय का ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप प्रेम से पूजा करो माता जी, मैं इसको प्रेम से निलाऊंगी, खिलाऊंगी, सुलाऊंगी, छुलाऊंगी। आ जा कुमार। हमारा कुमार खुशी आ रही है दीपक लेके। कुमार, हम दोनों अभी नाचेंगे गाएंगे। आओ आओ नंदी भैया, आओ बैठ। ब्रह्मचारी के मन में ये प्रेम के ऊंचे ऊंचे झरने कहां से झर रहे? मैं समझ गई, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैं क्या कर रहा है बकरे की तरह, मैं सब समझती हूँ। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को छलना चाहते हैं ना, तो तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। मगर याद रख, अगर तूने मुझे छलने की कोशिश की तो मैं तेरा घड़े जैसा पेट समझ गया, समझ गया। अरे मैं तो क्या, मेरा बाप भी समझ गया। देवी, जरा आस्ते मारो।
ये तो मैंने प्यासे छुआ था। अगर ये प्यासे छुआ था तो माँ से क्या मारोगी पता नहीं। अरे तू पहले अगर मेरे से बिहार रचा लेता तो आज मेरी गोदी में भी एक नहीं दो दो जुड़वा बच्चे खेलते होते, चार चार सिंग वाले। है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अच्छा तू ये बता तेरी मर्जी क्या है, तू ब्याह करने को तैयार है? तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तू जल्दी से जा और वरमाला ले आओ, फिर हम दोनों चुपके से ब्याह रचाएंगे। चुपके से ब्याह रचाएंगे? अरे मैं क्या किसी के पास से डरती हूँ? तू क्यों डरेगी? मैं तो ब्याह रचाऊंगी गाजे बाजे ढोल थपाड़े से। शंकर महाराज और उमा माता का आशीर्वाद भी पाऊंगी। तू जरा कुमार को देख, मैं वरमाला लेके अभी आई। जल्दी आने दीदी। हाँ, जल्दी आती। नंदी नंदी तू मेरा बन जा, मैं ते नंदी नंदी कुमार। अरे कुमार कहाँ गया? ब्रह्म का साप झूठा होगा, अब हमें कोई मार नहीं सकता। गंगा माँ के पास ले चलो। चलो कितना सुंदर तेजस्वी बालक है ये। तारिकाओं किसका है ये? कौन है इसके माता पिता? नारायण नारायण। देवर्षि आप? बालक के माता पिता और कोई नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ और देवी उमा। क्या ये मेरी बहन उमा का बेटा भगवान शिव की संतान? लेकिन लेकिन ये यहाँ कैसे देवर्षि? इसका नाम क्या है? इसका नाम कार्तिकेय है। तार का सुर ने इसे मारना चाहा था, तुम इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करो। मेरा लाल माताजी, माताजी एक पल कुमार कार्तिकेय को उठा कर ले गया। कोई पापी मेरा रूप बनाकर नंदनी को धोखा देकर कुमार कार्तिकेय को उठा कर ले गया। मेरे लाल, स्वामी, 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 सब कुछ सुनकर भी आप शांत होकर बैठे हैं। जाइए, कहीं से भी मेरे लाल को वापस ले आइए। जाइए, जाइए ना। इतनी व्याकुल ना हो उमा, तुम्हारा कार्तिकेय जहाँ भी है कुशल से है, सुरक्षित है। स्वामी। हाँ उमा, धीरज रखो, समय आने पर तुम्हें तुम्हारा बालक अवश्य मिलेगा। कार्तिके, 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 क्या है माता जी? आज तेरा जन्मदिन है बेटे। चुप चुप जो मेरे लाल। तुम्हारा काल कार्तिकेय मरा नहीं, जीवित है। कार्तिकेय जीवित है? हाँ, गंगा ने पाल कर उसे बड़ा किया है और इस समय वो तारिकाओं के पास है। तारिकाओं के पास? कार्तिकेय की जय। जाओ कुमार, तारकासुर से युद्ध का समय आ गया है। तेरा काल तारकासुर। कौन किसका काल है अभी पता लग जाएगा। ओ, 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 ओ,
अच्छा ये बात है। कार्तिक तुम जीते मैं हारा, मुझे क्षमा कर दो, अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। बेटा कार्तिक बेटा। माँ माँ मुझे शक्ति दो माँ, जिससे मैं पापी तारकासुर को मार सकूं। लो बेटा ये शक्ति, तारकासुर को मारकर देवताओं का दुख दूर करो। लो योग्य। दानापति तारकासुर की मृत्यु का बदला लेना है ना, आओ मेरे साथ। गंगा 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 पाप, तुम्हारा बल पाकर राज करने वाला तारकासुर तो समाप्त हो गया। लेकिन मुझे समाप्त करना इतना आसान काम नहीं, मैं भयंकर अंधकार की तरह स्वर्ग पर हमेशा छाया रहूंगा। प्रकाश के सामने अंधकार कभी ठहर नहीं सकता, तुम्हें देवलोक से जाना ही पड़ेगा। कभी नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें समाप्त करके ही रहूंगा। भागते हुए कहाँ चले जा रहे हो, कुशल तो है। नारायण नारायण करे कोई भरे कोई, क्यों जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग का नतीजा है। ये क्यों नहीं कहते कि गंगा माता का प्रभाव है। गंगा 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 क्या कहा, गंगा गंगा और दो एक बार कह दो तर जाओ। चुप रहो नारायण, स्वर्ग में नहीं तो पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। कोने कोने में सिर्फ पाप ही पाप दिखाई देगा, वहां गंगा मेरी छाया को छू भी नहीं सकेगी। नारायण नारायण नारायण। तो ये है स्वर्ग से बढ़कर हरी भरी धरती, दूध से बहते हुए झरने, हवा में लहराते खेत,
रंग बिरंगी फूल, नाचते हुए पशु पक्षी। मैं अभी सबका विनाश कर दूंगा। नारायण नारायण, आपको तो मुझ गरीब ब्राह्मण पर शंका ही रहती है, मैं इसीलिए यहाँ नहीं आता हूँ। लीजिए मैं चला। ठहरिए नारद जी ठहरिए, आप तो सदा हमारा भला चाहने वाले हैं, बतलाइए पृथ्वीलोक का क्या समाचार है? महाराज सगर अपना सवा अश्वमेध यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं। क्या कहा? सवा अश्वमेध यज्ञ महाराज सगर। सवा अश्वमेध यज्ञ? तो महाराज सगर भी मेरे सिंहासन पर अधिकार जमाना चाहते? ओ हो हो, आपको तो सदा अपनी ही चिंता लगी रहती है, वो बेचारे तो धर्म यज्ञ कर रहे हैं। देवर्षि, माँ गंगा की कृपा से स्वर्ग से पाप चला गया, मगर आप झूठ बोलकर पाप। नारायण नारायण, बड़ी मुश्किल के बाद तारकासुर के मरने पर यह सिंहासन प्राप्त हुआ है, क्या आप ये चाहते हैं कि फिर चला जाए? कुछ भी हो, ये अश्वमेघ यज्ञ मैं पूरा ना होने दूंगा। नारायण नारायण, गंधर्व इसी वक्त पृथ्वी पर जाकर सगर पुत्र को अपनी माया से संगीत और नृत्य में उलझा कर रख दो। जाओ। जो आ गया प्रभु। Tittilu, tillu, la 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 la, dim dim la la, ha 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 ha. Ta ta dim dim ta, ta ta dim dim ta, ta ta.
मार डाला, अरे मार डाला, मार डाला, मार डाला रे, मार डाला रे हमें, बाकी नजर ने बदली कमर ने चढ़ती उम्र ने मार डाला। आप लोग कौन है? सन्यासी, हम महाराज सगर के पुत्र संबंधी और उनकी प्रजा के वीर हैं। आपसे मिलकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, परंतु अयोध्या से इतनी दूर आने का कारण? हम अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर देश विदेश धर्म का झंडा लहराते फिर रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। सन्यासी, हम पाप को मिटा कर ही रहेंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, परंतु कहाँ है वो पवित्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा? भैया जरा मुझे उसके दर्शन तो करा दो। वो रहा, घोड़े की जगह गधा। कहाँ गया हमारा अश्व? सैनिकों जल्दी बताओ, नहीं तो। इन विचारों को क्यों डांटते हो? जरूर तुम्हारे साथ किसी ने छल कपट किया है। मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, पापी हूँ, नहीं धर्मात्मा हूँ। योग विद्या से अभी पता लगाता हूँ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। बताइए महाराज, कपिल मुनि के आश्रम में कहाँ है वो? हम बताते हैं, ऐसे शुभ काम करते करते ही तो ये बाल सफेद हो गए हैं। चलो हमारे साथ। पापी कपी कपिल मुनि, और ये रहा तुम्हारा घोड़ा। बस अब हमारा काम हो चुका। देखा, हमें देखकर डर के मारे समाधि में खो गया है। अरे कैसी समाधि, ये सब ठोंग है। पाखंडी, बता क्यों तूने हमारा घोड़ा चुरा? बोल बोल। ये ऐसे नहीं बताएगा, इस पर पत्थर मारो, थूको।
सगर पुत्र धर्म का झंडा लहराने चले थे। क्या कहा? सगर के होते हुए हमारे प्राणों से प्यारे 7000 वीर मारे गए, धर्म के लिए किया अश्वमेध यज्ञ अधूरा रह गया। हे भगवान, सैनिक, शीघ्र बताओ कौन है वो हत्यारे, कौन है वो अत्याचारी जिन्होंने इस नीच कर्म को किया है? मैं उनसे बदला लूंगा, उनका सर्वनाश कर डालूंगा। नारायण नारायण, तुम पाप का नाश नहीं कर सकते। पाप? देवर्षि, पाप के ही कारण 60,000 वीरों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कपिल देव मुनि को ही अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का चोर समझकर उनका अपमान कर दिया, और जब उस महान तपस्वी ने अपने नेत्र खोले तो तुम्हारे पूर्व जलकर भस्म हो गए। मुनिवर, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? तुम्हारे पितरों का ही नहीं, सारे संसार का उद्धार हो जाएगा। तुम्हें पतित पावनी, पाप विनाश नहीं, भगवती गंगे को पृथ्वी पर लाना होगा। भगवती गंगा? नारायण नारायण। बोलो अंशुमान, क्या तुम ये महान कठिन कार्य कर सकोगे? अवश्य करूंगा मुनिवर, पितृ उद्धार और जन कल्याण के लिए मैं माता गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहूंगा। नारायण नारायण नारायण। हे कुलदेव, भगवान सूर्य देव, मैं जनता जनार्दन की भलाई तथा अपने पितृ उद्धार के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। स्वामी, मेरा नहीं, इस सारी प्रजा का प्रेम, विश्वास, श्रद्धा सब आपके साथ है। इस महान उद्देश्य को आप पूरा करके ही आना। ऐसा ही होगा देवी। बेटा दिलीप। दादी। अयोध्यापति महाराज अंशुमान की जय। प्रजापालक महाराज अंशुमान की जय। महादेवे देवि गंगे नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे देवि गंगे नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे देवि गंगे नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै देवि गंगे नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै देवि गंगे नमोस्तुते। गंगा गंगा रटते रटते तजे वीर ने प्राण, अमर हुए श्री अंशुमान, देकर अपना बलिदान। एक दीप जब बुझा प्रज्वलित हुआ दूसरा दीप, पूरा करने कार्य पिता का निकला पुत्र दिलीप, निकला पुत्र दिलीप।
नमस्त्वं जगत्तारिणी मातु गंगे, नमस्त्वं जगत्तारिणी मातु गंगे, नमस्त्वं शरणदायिनी मातु गंगे, नमस्त्वं शरणदायिनी मातु गंगे, नमस्त्वं जगत्तारिणी मातु गंगे। दिलीप की प्राण ज्योति भी चले गए। बेटा, बेटा, तेरे पिताजी। माँ जी, दादी माँ। धन्य हो माँ, तुम सचमुच सती साध्वी आर्य नारी थी, जो पिताजी के साथ ही परम धाम चली गई। माँ गंगे, कब तक आपका हृदय निष्ठुर बना रहेगा? कब तक आप धरती के बेटों का संहार और बलिदान देखती रहेगी? याद रखो मां, यदि आप धरती पर न आने की हट पर तुली हुई हैं, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपको पृथ्वी पर लाकर ही रहूंगा। पूज्य प्रपितामह महाराज सागर, पितामह अंशुमान, पिता श्री दिलीप, मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, जिससे मेरी साधना, मेरा संकल्प पूरा हो, मैं माता गंगा को धरती पर लाने में समर्थ हो सकूं। भगीरथ, माता गंगा को पृथ्वी पर लाना सरल काम नहीं है। जो असंभव है उसे तुम कैसे संभव बना सकते हो? गंगा की तपस्या करते करते हम मिट गए, परंतु उन्हें प्रसन्न नहीं कर सके। भगीरथ, माता गंगा पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। वो अवश्य आएंगी, पुरुषार्थ के पीछे सिद्धि को आना ही पड़ेगा। मैं आपके चरणों की सावन खाकर प्रतिज्ञा करता हूं, या तो भगवती गंगा को लाकर रहूंगा, नहीं तो आपकी तरह तपस्या की बेटी पर अपने जीवन की भेंट चढ़ा दूंगा। स्वामी, नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपका जीवन मेरा जीवन है, आपके प्राण मेरे प्राण है। महारानी, स्वामी, गंगा का स्वप्न देखने वाले हमारे पूर्वजों को क्या मिला? यश, कीर्ति, अमरता। नहीं, केवल मृत्यु। मृत्यु तो वीरों का श्रृंगार है, और फिर ऐसे शुभ और पुण्य काम के लिए 100 बार जन्म लेकर भी मरना पड़े तो बड़े सौभाग्य की बात है। रानी, एक वीरांगना की तरह मुझे हंसते हंसते विदा करो। आपको विदा करने का मतलब है मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ, आपका बलिदान। नहीं 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 स्वामी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। ऐसा न कहो देवी, इस महान उद्देश्य के लिए तुम्हें यह त्याग करना ही होगा। लोक कल्याण के लिए मैं गंगा को लाकर ही रहूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। तो मेरा भी अटल निश्चय है, मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। महारानी, आत्महत्या महापाप है, रुक जाओ। बेटा, माँ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, कभी नहीं मरने दूंगा। माँ, मैं तेरे पिता के बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। क्या कह रहे? मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। माँ, कुमार, मेरी लाल, तू तो मेरे आँख का तारा है, हमारे कुल का दीपक है। स्वामी, स्वामी, मेरे लिए न सही, इस बच्चे के लिए रुक जाइए। महारानी, तुम अपने एक बच्चे की दुहाई देकर मुझे रोकना चाहती, मगर तुम उन हजारों लाखों बच्चों का ध्यान न आया जो बिना जल के प्यासे मर रहे हैं। महारानी,
हमारी प्रजा का हर बच्चा हमारा बच्चा है, हर बहन हमारी बहन है, हर माँ हमारी माँ है। स्वामी देखो, हमारे इन त्यागी तपस्वी महापुरुषों के इन्हें तो किसी ने रोका नहीं था, इनको भेजने वाली भी तुम्हारी तरह स्त्रियां थी। रानी, अपनी जिंदगी तो हर कोई जीता है, जीना तो उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गई थी, मेरी आत्मा पर से मोह का पर्दा हट गया है, अब मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। स्वामी, इस शुभ काम के लिए आप खुशी से जाइए। हाँ माँ, पिताजी को जाने दो, अगर पिताजी गंगा माँ को ना ला सके तो मैं लाऊंगा। जीते रहो मेरी लाल, जीते रहो। अगर वो घड़ी आई तो प्रजा के भलाई के लिए मैं तुझे भी इस महान कार्य के लिए हंसते हंसते भेज दूंगी। धन्य हो बहु, तुम सच्ची यारी गन्ना हो, भारत की महान नारी हो। बेटी, अब देर न करके भगीरथ को आनंद और उत्साह के साथ विदा करो। पितामह, ये सब केवल तुम्हारी परीक्षा थी। जाओ भगीरथ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उदास धरती, उदास अंबर, उदास जीवन, उदास राहें, छलकती आँखें, सिसकती आहें, निराश मुखड़े बुझी निगाहें, ये देख कर रो दिए भगीरथ, चले तपस्या के दुख को सहने, विदा की बेला में भर के आंसू। खड़ी थी घर घर की माएं बहने, तुम्हारा कल्याण।
वर्षों से तुम्हारी तपस्या कर रहा, जानती हो किस लिए? तुम्हें पृथ्वी पर लाने के लिए। पृथ्वी पर? स्वर्ग से बढ़कर पावन वही पृथ्वी पर? धन्य हो। धन्य तो भागीरथ के पूर्वज अंशुमान और दिलीप थे, जो तुम्हें पृथ्वी पर लाने की इच्छा में तप करते करते मिट गए। अंशुमान, दिलीप मेरे कारण मिट गए? नहीं नहीं मुनिवर, अब मैं एक पल भी स्वर्ग में नहीं रहूंगी, इसी घड़ी पृथ्वी पर जाऊंगी भगीरथ के और पृथ्वीवासियों की सेवा करने के लिए। ठहरो गंगे, तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। तुम्हारा वेग इतना प्रचंड है कि तुम पृथ्वी तोड़कर पाताल में चली जाओ। मुनिवर, ये आपने क्या बताया? क्या मेरे मन की अभिलाषा मन में ही रह जाएगी?
क्या अंशुमान दिलीप की तरह मेरा भगीरथ भी? नहीं 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 मुनिवर, कोई उपाय बताइए, मेरे वेग को कौन संभालेगा? बताइए बताइए मुनिवर, मैं किसके पास जाऊँ? नारायण नारायण, एक से एक बढ़ के महान शक्तियाँ यहाँ हैं। भगवान विष्णु है, ब्रह्मदेव हैं, देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र? माँ गंगे, देवेंद्र, पृथ्वी की जनता भूख के मारे त्राही त्राही कर रही। सूर्यवंशी अंशुमान, दिलीप, लोक कल्याण के लिए मुझे पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में समाप्त हो गए, और अब भगीरथ, भगीरथ भी मरने के हट पर तुला हुआ है। भगीरथ? हाँ, संसार की भलाई के लिए मैं भूलोक में जाना चाहती हूँ। भूलोक पर? मृत्यु लोक में? वहां तो दुखी दुख भरे पड़े हैं। और उसी दुखी लोक में भगवान बार बार अवतार लेते हैं, वह स्वर्ग से कहीं अधिक महान है। परंतु मैं वहां जाऊं कैसे? मेरे वेग को संभालने का कोई उपाय कीजिए देवराज, कोई उपाय कीजिए देवराज। ब्रह्मदेव, आप मुझे पृथ्वी से देवलोक इसलिए लाए थे कि मैं फिर पृथ्वी पर ना जा सकूं? क्या आप चुपचाप अपनी सृष्टि की विनाश लीला देखते रहेंगे? बोलिए ब्रह्मदेव, बोलिए। शांत हो गंगे, शांत हो। कैसे शांत रहो भगवान? आप यहाँ कमलासन पर बैठे और वहां वहां धरती के लोग जल से बिना पैर से मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। गंगे, भगवान, मैं पृथ्वीवासियों की सेवा के लिए जाना चाहती हूँ, परंतु परंतु मेरे प्रभाव को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा भगवान, कौन रोकेगा? बोलिए भगवान, बोलिए। आप भी मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं। भगवान करुणा निधान, मेरे आराध्य देव। आओ गंगे, आज तुम्हारे पावन चरण पड़ने से यह स्थान भी पवित्र हो गया, परंतु कल्याणी, तुम्हारे मुख पर उदासी। भगवान, सारे धरती पर उदासी के बादल छाए हुए हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं धरती पर जाना चाहती हूँ। ये कार्य इतना सरल नहीं है। ऐसा न कहिए भगवान। गंगे, इतनी अधीर न हो, समय से पहले कोई कार्य नहीं होता। जाओ गंगे, जाओ। प्रभु। गंगे देवी नमोस्तुते, नमो देवी गंगे, नमो देवी गंगे, गंगे देवी नमोस्तुते, नमो देवी गंगे, नमो देवी गंगे। जब तक भगीरथ की सती पत्नी अपने पति की रक्षा कर रही है, तुम भगीरथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खोलो देवी। आप यहाँ? हाँ रानी, गंगा को पृथ्वी पर लाना असंभव है, इसलिए मैं व्यर्थ की तपस्या छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया। ये आपने क्या किया? जिस गंगा को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, आप उस कार्य को अधूरा छोड़कर वापस आ गए। रानी,
वर्षों से मेरे हृदय में तुम्हारे वियोग की आग जल रही है। नहीं नहीं, ये आपको क्या हो गया? जो दीपक की लौ पर जलने के लिए पतंगे को हो जाता है, जो कली का रस पीने के लिए मतवाले भौरे को हो जाता है, बस और न तड़पाओ रानी, मधुर मिलन का समय तुम्हें बुला रहा है। आ जाओ मेरी बाहों में समा जाओ, आ जाओ रानी आ जाओ। हे भगवान, नहीं नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। हे सूर्य देवता, यदि मैंने मन वचन कर्म से सदा अपने पति और धर्म का पालन किया हो तो ये पिशाच जो भी है अपने असली रूप में आ जाए। अपने सतीत्व के बल से अपने सुहाग की रक्षा करने वाली नारी, अब मेरा बल देख, मैं तुम्हारी पवित्रता नष्ट करके रहूंगा, भगीरथ की तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगा। ठहर नीच, मेरी मां को छूने वाले तेरे ही नातों को अभी तोड़ डालूंगा। बेटा अपनी रक्षा करती है। मेरा सतीत्व मेरी रक्षा करे। मेरे स्वामी की तपस्या पूर्ण हो। गंगे आ गई, महागंगे तुम आ गई, मुझ पर दया करके आ गई। मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कितना भाग्यशाली हूं मां। परंतु मैं भाग्यशालिनी नहीं हूं भगीरथ। माथेश्वरी? हाँ भगीरथ, कहा तुम्हारी कठिन तपस्या, सच्ची लगन, अपार भक्ति, और कहा मैं, मुझे भूलकर वापस अयोध्या चले जाओ, अयोध्या चले जाओ भगीरथ। मां गंगे सामने हो और बेटा प्यासा चला जाए। तुम्हें जाना ही होगा भगीरथ, मैं विवश हूं। ऐसा ना कहिए माता, लोक कल्याण और मेरे पितृ उद्धार के लिए आपको पृथ्वी पर आना ही होगा। नहीं भगीरथ, नहीं। दया ममता क्षमा की मूर्ति मां गंगे, आपको मेरी प्रार्थना माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं भी अपने पूर्वजों की तरह इन पर्वतों में आपका ही ध्यान करता हूं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगीरथ तुम जियो, युग युग तक जियो भगीरथ। संसार की दृष्टि में लज्जा का पात्र बनकर जीऊं? मां प्यासी धरती आपको पुकार रही है, मानवता बिलख रही है, वो देखो मां, अकाल के मारे
भूखे प्यासे दम तोड़ते आदमी, औरतें, बच्चे, वो देखो नरकंकालों पर मंडलाते हुए कित, उनके मांस को नोचते हुए स्वान, हर तरफ मरघट सा हाहाकार। बस भगीरथ बस। क्यों माँ, अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर भी आपको दया नहीं आती? बोलो माँ, जवाब दो। क्या जवाब दो? क्या तुम समझते हो कि मेरे हृदय में दया और ममता नहीं? मेरे सामने मेरी संतान मरती जा रही है और मैं निर्दयी बने चुपचाप देख रही हूँ। तुम नहीं समझते भगीरथ, तुम नहीं समझते। आप बोलती क्यों नहीं माँ? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आप पृथ्वी पर नहीं आ सकती? मेरा प्रचंड वेग उसने कौन संभालेगा भगीरथ? मैं धरती पर पांव रखते ही पाताल चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम वापस चले जाओ भगीरथ, तुम वापस चले जाओ। नहीं माँ, नहीं माँ गंगे, माँ गंगे, मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा करना। प्रभु, प्रभु। मुझे बचाया क्यों, किस लिए? अपने पूर्वजों की तरह मैं मर भी जाता तो अच्छा था। धीरज रखो भगीरथ, धीरज रखो। कैसे धीरज रखो? मेरे सपने चूर चूर हो गए, मेरी आशा, मेरा विश्वास सब धूल में मिल गए। हे वर्षि, उन सूखे हड्डियों के ढांचे निराश चेहरों को मैं क्या जवाब दूंगा? व्याकुल जनता के सामने अपना मस्तक कैसे उठाऊंगा? भगीरथ, लगता है अकाल रूपी भयानक अजगर तमाम जनता को निगल कर रहेगा और रह जाएगा केवल निष्प्राण जनहीन भारत, कंकाल भारत। नहीं नहीं भागीरथ, तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तुम भगवान कैलाशपति के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आराधना करो, भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर भगवती गंगा के आने का मार्ग मिल ही जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग, जैसी आपकी आज्ञा मीवर, कल्याण। ओम हर 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 महादेव, जय जगतपते, जय ज्योतिर्मय नर्मदा तीर के वासी, प्रगटो प्रगटो हे ओमकार ओंकारेश्वर अविनाशी, जय ओंकारेश्वर महादेव। जय मल्लिकार्जुन महादेव मायापति मंगलकारी, तेरे चरणों की छाया से होती जग की रखवारी। जय मल्लिकार्जुन महादेव, you
रुद्राक्ष की माला, तीसरा तुम्हारा नेत्र उगलता पाप नाशिनी ज्वाला, जय अवंतिका पति महाकाल। पूर्वोत्तरवासी वैद्यनाथ शंकर बाघांबरधारी, हे शिव महान हे शक्तिमान तुम ही सबके दुख हारी, जय वैद्यनाथ शिव महादेव। कैलाशपति केदारनाथ करुणावतार विश्वंभर, अपनी श्रृंगी की ध्वनि से पावन कर दो धरती अंबर, केदारनाथ जय महादेव। श्री राम तुम्हारे ईश्वर हैं पर तुम भी हो रामेश्वर, अब तो महेश काटो कलेश मत करो देर विश्वेश्वर, जय जय रामेश्वर महादेव। हे त्र्यंबकेश हे त्रिशूल धर सह्याद्रिदेश के स्वामी, हे भूतनाथ खोलो समाधि प्रकटो प्रभु अंतर्यामी, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। विष पीने वाले नीलकंठ नागेश्वर तुम्हें नमन है, हे प्रभो तुम्हारी इच्छा ही अब जीवन और मरण है, जय जय नागेश्वर महादेव। धारण कर दंडक मंडल योगी वेश किए भीमेश्वर, एक बूंद दया की तो दाता देवाधिदेव अखिलेश्वर, जय जय भीमेश्वर महादेव। काशी विश्वेश्वर कर दो अब डमरू निनाद अति प्यारा, जिसको सुनकर नभ से उतरे गंगा बन जल की धारा, काशी विश्वेश्वर महादेव। त्रिनयन त्रिपुंड धर जागो, जय जय धृष्णेश्वर महादेव। सौराष्ट्र देश के सोमनाथ हे चंद्रचूड़ शिव शंकर, गंगा मैया को शीश धरो उपकार करो पृथ्वी पर, जय सोमनाथ हर महादेव। तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहते हो, मांगो। भगवान, मेरी मांग मेरी नहीं सबकी है,
प्यासी धरती की, दुखियारी जनता की, चारों दिशाओं से त्राही त्राही की पुकार। भगीरथ, भोलेनाथ, जगत कल्याण के लिए माँ गंगे आना तो चाहती है, परंतु उनका वेग प्रचंड है, वे पृथ्वी तोड़कर पाताल चली जाएंगी। इसकी चिंता तुम न करो भगीरथ, सच्ची निष्ठा, भक्ति और भावना से शक्ति रूपी गंगा का हिमालय पर जाकर आवाहन करो। तुम्हारे खड़े स्वयं शिव शंभु समाधि खोल के, शिव शंभु समाधि खोल के, अब उतरो हे माँ गंगे। आज मगन है सभी दिशाएं, आओ मगन है सभी दिशाएं, आओ झूम रही है सघन घटाएं, आओ अब निकल पड़ो माँ, अब निकल पड़ो माँ, गगन महल से जय जगदीश्वर बोल के, स्वागत में तुम्हारे खड़े स्वयं शिव शंभु समाधि खोल के, शिव शंभु समाधि खोल के, अब उतरो हे माँ गंगे। छोड़ो स्वर्ग लोक को माता, आओ ये प्यासा जग तुम्हें बुलाता, आओ को माता, आओ ये प्यासा जग तुम्हें बुलाता, आओ अब उतरो हे माँ गंगे, अब उतरो उतरो माँ गंगे, अब उतरो उतरो माँ गंगे।
बचाओ, बचाओ माँ गंगे, मुझे क्षमा कर दो माँ गंगे। माँ गंगे, गंगा स्वामी, भगवान ये आपने क्या किया? लोक कल्याण के लिए मुझे अपने बंधन से मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए प्रभु, नहीं तो भगीरथ की तपस्या निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे होते हुए भगीरथ की तपस्या निष्फल नहीं जा सकती गंगे। अनंत काल तक पृथ्वीवासियों का कल्याण करती रहो, उद्धार करती रहो। प्रभु, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगे, तुम भगीरथ प्रश्न के कारण पृथ्वी पर आई हो, इसीलिए आज से तुम भागीरथी गंगा कहलाओगे। भगीरथ, तुम आगे आगे चलो, पुरुषार्थ के पीछे सिद्धि की तरह गंगा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आओ माँ, आओ आओ माँ गंगे, अपनी पावन में धारा से जगत का कल्याण करो, धर्म की जय जयकार कर। क्षमा कर दो नारायण, नारायण मुझे क्षमा कर दो माँ। इस माता को जग में महाराज भगीरथ लाए, है धन्य देश ये जिसने इसके दर्शन पाए। भारत के भाल के अंक इसी माने पलटाए, उजड़ी धरती की धूल में सुंदर फूल खिलाए। अगणित गांवों और नगरों की एक शान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा।